कार्रवाई की जा रही है। एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर रंजन लांबा के ठिकानों पर बताया जा रहा है कि छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। डॉक्टर के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति की शिकायत मिली थी और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जयपुर में दो और झुंझुनू में तीन जगहों पर कार्रवाई जो है वो चल रही है सर्चिंग की। डॉक्टर रंजन लांबा का भाई भी बताया जा रहा है कि सरकारी डॉक्टर है। झुंझुनू के स्पार हॉस्पिटल पर एसीबी सर्च ऑपरेशन जो है अपना आगे बढ़ा रही है। एक मकान और एक फार्म हाउस पर भी सर्चिंग की कार्रवाई की जा रही है। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में एसीबी को शिकायत मिली थी जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो डॉक्टर के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति की शिकायत जो है मिली थी और उसके बाद स्पार हॉस्पिटल में भी बताया जा रहा है जो डॉक्टर है उनके खिलाफ भी शिकायत मिली थी जिसके बाद ये जो कार्रवाई है ये टीम के जरिए की जा रही है। कई जगहों पर जो टीम है वो छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है और उसके बाद लगातार बताते चले काफ़ी समय बीत चुका है इस कार्रवाई को लेकिन अभी भी ये जो छापेमार कार्रवाई है की जा रही है और ये कार्रवाई डॉक्टर रंजन लांबा के सरकारी आवास पर की जा रही है। सरकारी चिकित्सक हैं ये डॉक्टर रंजन लांबा, इनके आवास पर की जा रही है और झुंझुनू के स्पार हॉस्पिटल पर भी एसीबी जो है पहुंची हुई है। वहां पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। यही वो हॉस्पिटल स्पार हॉस्पिटल जहाँ पर सर्चिंग जो है टीम की तरफ से की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक मकान और एक फार्म हाउस पर भी सर्चिंग की कार्रवाई की गई है। आय से ज्यादा संपत्ति की शिकायत टीम को मिली थी और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तड़के सुबह बताया जा रहा है कि जो टीम है उसने कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। जयपुर और झुंझुनू दोनों जगह पे कार्रवाई की जा रही है। जयपुर में दो और झुंझुनू में तीन स्थानों पर एसीबी की टीम जो है दबिश दे रही है और यहाँ पर कागजातों को तलाशा जा रहा है, उनकी जांच जो है की जा रही है ताकि जो शिकायत मिली है उसकी सत्यता जो है उसकी पुष्टि हो सके कि आखिर इस पूरे मामले में कितनी सत्यता है। आय से ज़्यादा संपत्ति का आरोप जो है वो रंजन लांबा के भाई और उन पर लगाया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसीबी की टीम जयपुर और झुंझुनू में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। ये तस्वीरें आप झुंझुनू से देख रहे हैं जहां पर स्पार हॉस्पिटल में टीम जो है लगातार सर्चिंग कर रही है। वहां पर दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और इसके साथ साथ जो लोग हैं उनसे पूछताछ भी आगे की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, आप क्या वहीं पर मौजूद है जहां पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है और अगर वहां है तो बताइएगा कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर रंजन लांबा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायतें लगातार एसीबी को मिल रही थी जिसके बाद शिकायतों का सत्यापन कराया गया और आज उसके बाद अचानक से छापेमारी की कार्रवाई सीकर झुंझुनू और जयपुर जिले में की गई। जयपुर में दो और झुंझुनू में तीन जगहों पर सर्च कार्रवाई अभी तक की जा रही है। अभी भी जयपुर में डॉक्टर रंजन लांबा के हस्तिनापुर कॉलोनी यानी चित्रकूट स्थित घर पर और एक अन्य हॉस्पिटल में ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और वहीं पर झुंझुनू में तीन ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के एसीबी मुख्यालय में और यहीं पर एडिशनल एसपी विष्णुराम विष्णोई के निर्देशन में ये कार्रवाई चल रही है। ये एडिशनल एसपी विष्णुराम विष्णोई हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया यहाँ पर जा रहा है। बात करेंगे सर से एक बार। सर किस तरह से ये कार्रवाई को आज अंजाम दिया जा रहा है? कौन है डॉक्टर, क्या शिकायतें सर इनको मिल रही थी? सर ये डॉक्टर रंजन लांबा हैं, मेडिकल अफसर हैं एसएमएस में और इनके विरुद्ध हमें गोपनीय सत्यापन में पता चला था कि इन्होंने अपनी जो लीगल आय है उससे ज्यादा संपत्तियां अर्जित कर रखी है तो उस पर वेरिफिकेशन के बाद तथ्यों की पुष्टि हुई। पुष्टि होने के बाद जो है इसको विधि अनुसार सारा सिस्टम के बाद हमने एफआईआर दर्ज करके माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त करके आज पांच जगह सर्च की जा रही है तो उनमें जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी रिकवरीज होंगी एसेट्स की वैल्यूएबल्स की वो देखते हैं क्या आता है। अभी डॉक्टर रंजन लांबा जो है वो कहाँ पदस्थापित है, कहाँ कहाँ इनकी संपत्ति अभी तक आकी गई है एसीबी की शिकायतों की? तो ये पदस्थापन अभी एसएमएस की सर्जरी यूनिट में है और इनकी संपत्तियां जिसमें जहां सर्च हो रही है तीन लोकेशंस झुंझुनू की है और एक लोकेशन यहाँ जो निवास है हस्तिनापुर कॉलोनी है वैशाली नगर के पास वहां पे है और एक उनका जहां उनका कार्यालय है या जहां ये काम करते हैं वहां की हम फॉर्मल तलाशी लेते हैं। सर झुंझुनू में कौन कौन सी बताया जा रहा है कि तीन ठिकानों पर झुंझुनू में जो कार्रवाई की जा रही है तो तीन ठिकाने कौन कौन से हैं झुंझुनू में? सर झुंझुनू में एक इनका निवास है, एक इनका हॉस्पिटल है जो इनकी पत्नी वहां चलाती है और दूसरा एक इनका फार्म हाउस है।
और जयपुर में दो जगह पे शिकायतों की कार्रवाई मतलब कार्रवाई की जा रही है, जो वो दो जगह ठिकाने कौन से हैं? वो दो जगह में एक इनका यहाँ एक घर है, निवास है वहाँ है, और दूसरा इनका जहाँ कार्यालय है जहाँ ये काम करते हैं SMS हॉस्पिटल वहाँ पे। तो सर अभी तक कुछ क्योंकि सुबह से कार्रवाई चल रही है आपकी, कुछ सामने आ पाया इनपुट की कितना कुछ मिल चुका है इस कार्रवाई के दौरान? कार्रवाई की रिपोर्टें अभी तो चूंकि सारी कार्रवाइयां जारी है तो बीच में हम लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जब कार्रवाई पूर्ण होगी तब आकलन करके बताया जाएगा। सर एक मेरा लास्ट सवाल, कितने समय पहले शिकायत मिली थी आय से अधिक संपत्ति की डॉक्टर रंजन लांबा के खिलाफ? ये समय का तो मैं खुलासा नहीं कर सकता, पर काफी जो है समय से ये चीज चल रही थी पिछले काफी टाइम से, तो इसको हमने विधिवत वेरीफाई किया तो उसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि हम ये गोपनीय रूप से वेरीफाई करते हैं तो तथ्यों को पुष्टि करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट वी डू इट इन ए सर्टन वे। कब तक ये कार्रवाई चलने वाली है सर? ये कार्रवाई तो जैसे ही ये सर्च पूरी होगी उसके बाद हमारी एक अनुसंधान की प्रक्रिया होती है जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग अफसर पूरे तथ्यों की दोबारा जांच करेंगे, देखेंगे कि वास्तविकता में क्या एसेट्स हैं, क्या इनके आय के सोर्स हैं, और अगले को भी स्पष्टीकरण का मौका दिया जाता है कि भाई वो अपने सोर्सेज को वेरीफाई करें और बताएं कि भाई वो इनके पैसे कहां से आए या एसेट्स उन्होंने अर्जित किए हैं तो इनकी सोर्स ऑफ मनी क्या है। तो ये है एडिशनल SP विष्णाराम विष्णोई जिनकी सुपरविजन में ये कार्रवाई पूरी चल रही है, और वहीं पर DG राजू शर्मा के निर्देश के बाद में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सबसे खास बात है कि गोपनीय शिकायत डॉक्टर रंजन लांबा के खिलाफ मिली थी और उसी के बाद में जब शिकायतों का सत्यापन किया गया, वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद इस शिकायत के बाद में आज ये 5 जगहों पर कार्रवाई की जा रही है, जिनमें झुंझुनू में 3 जगहों पर, वहीं पर जयपुर में 2 जगह की छापेमारी की कार्रवाई की गई। साथ में एडिशनल SP का ये भी कहना है कि इस कार्रवाई की अभी दोपहर बाद तक की कार्रवाई चलेगी, शाम तक इसका रिजल्ट सामने आएगा कि कितनी अकूत संपत्ति डॉक्टर के मिली है। साथ में डॉक्टर रंजन लांबा को यानी जो कि इसमें विक्टिम अभी आरोपी है उनको ये भी उनका बताया जाएगा कि वो सोर्स ऑफ इनकम बताएं, उनको भी उनकी बात कहने का मौका दिया जाएगा ACP की ओर से। तो फिलहाल कार्रवाई इस वक्त जारी है, शाम तक ये साफ हो सकेगा कि डॉक्टर बिल्कुल शाम तक कार्रवाई चलेगी। विष्णु बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। तो झुंझुनू में डॉक्टर रंजन लांबा के खिलाफ ACB की कार्रवाई को लेकर पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। ACB झुंझुनू के ASP प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि आय से ज्यादा संपत्ति मामले में कार्रवाई चल रही है, सर्च पूरी होने के बाद ACB मुख्यालय बाकी जानकारी देगा। SP के मुताबिक 3 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। SMS के डॉक्टर रंजन लांबा पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में ACB में शिकायत के बाद उनके 3 ठिकानों पर चूरू, झुंझुनू और सीकर ACB की टीम है वो झुंझुनू में कार्रवाई कर रही है। इस समय मैं मौजूद हूं उनके झुंझुनू स्थित आवास पर और यहां पर पूरी तरीके से सुबह से ACB की टीम है वो इस सर्च अभियान को है चलाए हुए है और उनके तमाम जो ठिकाने हैं झुंझुनू में उन पर ACB की टीम है वो सर्च अभियान चलाए हुए है। हमारे साथ झुंझुनू ACB के एडिशनल SP इस्माइल खान हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई है वो अभी तक टीम द्वारा की गई है और किस तरह क्या कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है टीमों के द्वारा। ये सर कार्रवाई चल रही है, हाउस सर्च की कार्रवाई कंप्लीट होगी तो हम पहले हमारे मुख्यालय सूचना देंगे, उसके बाद वहाँ से प्रेस नोट जारी हो जाएगा। हाउस सर्च की कार्रवाई कितने ठिकानों पर है? 3 जगह हाउस सर्च की कार्रवाई चल रही है सर हमारे झुंझुनू। तो क्या कुछ मामला है? जैसे आय से अधिक संपत्ति का मामला जिसमें हाउस सर्च चल रही है। तो झुंझुनू में कौन कौन से ठिकाने हैं? घर है, अस्पताल है, फार्म हाउस है। तो झुंझुनू में जो डॉक्टर रमन लांबा है उनके फार्म हाउस, आवास और जो अस्पताल है उन पर जो ये कार्रवाई है वो जारी है और जो ACB की 3 टीमें हैं अलग अलग वो इन पर सर्च के दौरान जो यहाँ पर संपत्ति से संबंधित तमाम दस्तावेज हैं उनको खंगालने में जुटी हुई है और उसके बाद इन जो संपत्ति को लेकर एक ब्यौरा है वो तैयार किया जाएगा। इसके बाद ACB मुख्यालय को है इसकी जानकारी दी जाएगी और जानकारी के बाद ACB मुख्यालय द्वारा आगे का अनुसंधान और आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। तो लगातार सुबह से ACB की 3 टीमें हैं वो 3 ठिकानों पर कार्रवाई को अंजाम दे रही है और लगातार टीम द्वारा इन 3 ठिकानों पर है वो सर्च की कार्रवाई जारी है और संपत्ति से संबंधित तमाम दस्तावेज है उनको यहां पर खंगाला जा रहा है। करसन सिंह से कहा न्यूज 18 राजस्थान झुंझुनू।